सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि एल के लिए डिसाइडर बनाना है तो हम एटीएम जो है वो यूज करके एल के लिए डिसाइडर बना सकते हैं, और एटीएम को रिड्यूस करेंगे यानी एटीएम को हम एज अ ए कंसीडर करेंगे। और एल को जो है वो एज अ बी कंसीडर करके सॉल्व करेंगे। तो एटीएम रिड्यूस टू एल, अगर ये जुमला इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी, तो फिर हम यहाँ पे वो कहता है कि हम किसी भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज को एग्जिबिट कर सकते हैं इस फॉर्मेट के अंदर। अब इसमें फायदा क्या होता है कि एटीएम के बारे में हमें पता है कि ये अनडिसाइडेबल है, एटीएम जो है वो अनडिसाइडेबल है। तो हमने देखा यहाँ पे कहा था कि इफ ए इज नोन टू बी अनडिसाइडेबल एंड ए रिड्यूस टू बी, और ए को रिड्यूस किया जा सकता है बी के डिसाइडर से, देन बी इज अनडिसाइडेबल। तो फिर जो नई लैंग्वेज है वो बेसिकली अनडिसाइडेबल हो, ये बात इन्होंने यहाँ बताने की कोशिश की है। तो इसके लिए लास्ट क्लास में हमने एक प्रूफ किया था हॉल्ट के बारे में, कि ये बात प्रूफ करनी कि एच हॉल्ट जो है बेसिकली एक अनडिसाइडेबल लैंग्वेज। तो हमने कहा था कि इस बात को प्रूफ करने के लिए हम एटीएम का सारा लेंगे और कहेंगे कि एटीएम इज रिड्यूसेस टू एच हॉल्ट, ठीक है, एटीएम रिड्यूस टू एच हॉल्ट। तो इसमें क्या होगा कि हम इसकी एक डायग्राम हमने बनाई थी जिसके बेसिस पे हमने कहा था कि हम इसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन एग्जिबिट आवर मॉडल इन लाइक दैट, कि हम अपने मॉडल को रिडक्शन के मॉडल में एग्जिबिट कर सकते हैं, यानी ये जुमला है इसको अगर हम रिडक्शन के मॉडल में लेके जाएं तो वी कैन एग्जिबिट, यानी इन दिस एग्जांपल एटीएम प्लेस ए एंड हॉल्ट प्लेस बी, एंड वी कैन से दैट एटीएम रिड्यूसेस टू एच हॉल्ट। तो अगर ये कहते हैं तो वी हैव टू बेसिकली एग्जिबिट दिस ओवरऑल ऑल द सिचुएशन। अगर हम एग्जिबिट कर देते हैं सारे सिचुएशन को तो फिर हम कहेंगे कि एटीएम क्योंकि अनडिसाइडेबल है तो एच हॉल्ट भी जो है वो अनडिसाइडेबल। तो ये बात बेसिकली हमें यहाँ पे समझनी है, और इसके लिए बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। बस हमें ये पता हो कि पहली लैंग्वेज जो है बेसिक। अब हमने दो लैंग्वेज को अनडिसाइडेबल प्रूफ कर दिया जो कि हमें पहले से पता है, एटीएम अनडिसाइडेबल है ये पता चल गया, और एच हॉल्ट भी अनडिसाइडेबल। अब अगर कोई तीसरी चौथी पांचवी आगे कोई लैंग्वेज प्रूफ करनी हो तो हम इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, अगर अनडिसाइडेबल प्रूफ करना है, कि अगर वो कहता है कि प्रूफ करें कि फला लैंग्वेज जो है कोई एक एक्स वाई जी लैंग्वेज है वो अनडिसाइडेबल है, तो अब हम यहाँ पे रिड्यूस कंडीशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो एच हॉल्ट को यूज करें चाहे एटीएम को। तो इस मीन्स के हमें वो बेसिकली जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको एग्जिबिट करना पड़ेगा, अगर वो एग्जिबिट हो जाएगा यानी प्रेजेंट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि भाई अब जो गिवन लैंग्वेज है वो बेसिकली अनडिसाइडेबल। उन्होंने इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पे और सॉल्व किए जो लास्ट क्लास से कनेक्टिविटी की एग्जाम्पल्स है, और वो कहता है कि स्टेटमेंट देखें यहाँ पे दे रहे हो के ए सर्कुलर विच इज इक्वल टू अ मशीन एम, डिस्क्रिप्शन इसकी एम मशीन है, एम एक्सेप्ट डब्लू, ठीक है, ये आज के टॉपिक में शामिल है, ये लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था। नहीं तो ए सर्कुलर विच इज इक्वल टू एम सच दैट एम एक्सेप्ट डब्लू इफ एंड ओनली इफ एम एक्सेप्ट अ सर्कुलर रोटेशन ऑफ डब्लू बाय वन प्लेस, यानी एम जो है वो डब्लू को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने की कंडीशन ये है कि डब्ल्यू जो है बेसिकली एक प्लेस सर्कुलर होता है, प्लेस बाय वन प्लेस, यानी एक एक एलिमेंट सर्कुलरली जो है वो प्लेस किया जाए। वो सर्कुलर प्लेस मतलब ये है जैसे एबीसी लिखा हुआ है तो ये सर्कुलर प्लेस करें शिफ्ट, जिसको कहते थे हम शिफ्ट शिफ्ट रोटेट का वर्ड यूज करते थे, कि इस सी जो उठा के हम यहाँ पे सर्कुलरली ले आए तो ये दोनों आगे चले जाएंगे, सी ए बी बन जाएगा। तो वी वॉन्ट टू शो We want to show a circular is undecided. हमें प्रूफ करना है a circular undecided. अब आप जो प्लान करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि a circular के साथ हम किसी reducibility को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और reducibility को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि a circular को उसके साथ मैप करेंगे। तो अब देखना ये है कि a circular को a रखना होगा या b रखना होगा, ये आपको सोचना है। तो हमने देखा कि a undecidable के लिए जिसको ए रखा जाएगा उसके लिए पहले से पता होता है कि वो अनडिसाइडेबल, हम कहेंगे एटीएम इज बेसिकली ए एटीएम या ए हॉल्ट प्रॉब्लम जो पीछे हमने प्रूफ किया, और हम कह देंगे वो रिड्यूस होता है ए सर्कुलर, यानी वी कैन राइट, हम उसको इस तरह लिख सकते हैं
मैं भी इसको बता दूंगा, लिख सकते हैं कि ए एटीएम ठीक है रिड्यूसेस टू ए सर्कुलर। समझ आ रही बात? इससे क्या होगा कि ये वाला पाथ हमें पता है कि ये जो है बेसिकली अब क्या होगा, ए सर्कुलर का जो डिसाइडर है वो एटीएम को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, इसका एक मॉडल बनाएंगे, इसको एग्जीबिट करेंगे। अगर एग्जीबिट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि देखो ये हमने इसको डिजाइन कर लिया है, और डिजाइन कर लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि एटीएम जो है बेसिकली अनडिसाइडेबल है, तो ए सर्कुलर भी जो है वो क्या होगा अनडिसाइडेबल। अब इसको करने के लिए जाहिर है हमने थोड़ी सी टेक्निक या थोड़ी सी लॉजिक जो है वो चाहिए होगी किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, मतलब इतना प्रूफ करते हैं कि सामने वाले को बात समझ में आ रही हो कि ये बात करना चाह रहे हैं, वरना तो एक एब्स्ट्रैक्ट बातें होती है, हम किसी चीज को बना तो रहे नहीं है मैथमेटिकली प्रूफ कर। तो इसलिए हमें कम से कम इतनी बात तो इसमें करनी होगी कि अब इसके लिए हम बहुत सारे और भी प्रूफ कर सकते हैं। यानी अगर कोई कहता है कि बताओ प्रूफ करो कि एम्प्टी मशीन इज अनडिसाइडेबल, या टू ट्यूरिंग मशीन इक्विवेलेंसी को टेस्ट करना इज अनडिसाइडेबल। समझ में आ रही है? इस तरह के बहुत सारे सवाल रेज होते हैं, सारे तो हम नहीं करने जा रहे। यानी अगर कोई कहता है कि इक्यू